नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक रघुवंशी आपको फिर से अपने चैनल सफारी एक्सप्लोरर में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यात्रा मेरी आज शुरू हो रही है कुर्ग से ऊटी के लिए। तो कुर्ग से ऊटी जाने का जो रास्ता, दो रास्ते हैं, एक तो बाया मैसूर है, दूसरा नागरहोल होके है। तो हम लेकर चल रहे हैं आपको नागरहोल होके। किसी से मुझे पता चला कि ये बैली का रास्ता है और बहुत खूबसूरत रास्ता है, तो आपको हम बैली वाला रास्ता दिखाते चलेंगे और नागरहोल होकर के ले चलेंगे। तो चलिए चलते हैं फिर ऊटी, एक नया डेस्टिनेशन, एक नई जर्नी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। दोस्तों, जैसा हम आपको बता रहे थे कि बैली से होकर के चलेंगे, बहुत खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे, तो आपको मैं दिखाता चल रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे मिल रहे हैं और बैली की ड्राइव भी करने में मज़ा आता है। रास्ता तो मैसूर वाला था हाईवे होकर के, लेकिन मुझे बैली वाला रास्ता ज़्यादा उचित लगा कि आपको हम प्रकृति के सुंदर नज़ारों को भी दिखाते रहें और खुद भी देखते रहे। कच्चा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, दुनिया ते हासा तेरा कुड़े मार जांदा है, नहीं सानू दस जांदा गल लंबी चलू। निकले थे तो इतनी तेज धूप थी, अब देखिए यहाँ पे फुहार शुरू हो गई बारिश की। इतना खूबसूरत नजारा है, अब यहाँ पे गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं क्योंकि पूरा बैली का रास्ता है। तो यहाँ पेट्रोल पंप दिख गए तो हमने सोचा पूरी टंकी फुल करा दें, नहीं तो फिर आगे कहाँ मिले कहाँ ना मिले, तो तेल भर रुकता है तो फिर निकलते हैं यहाँ से। कर रहे थे यहाँ पे, थोड़ा नेटवर्क मिला तो एडिट का काम कर रहे थे, लेकिन अभी देखिए सामने इतना खूबसूरत नजारा दिख गया कि हमने सोचा पहले आपको दिखा दें फिर आगे बढ़े। बहुत ही खूबसूरत नजारा, पानी हल्का हल्का बरस रहा है और एकदम पूरा धुंध हो चुका है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व के गेट पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोगों को बंदीपुरा होते हुए तब आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अभी हम लोग नागरहोल टाइगर रिजर्व के गेट से इंटर कर गए हैं। ये टोटल 18 किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया है, इसमें कई चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हैं। नंबर एक तो हम गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते, दूसरा हम वीडियो नहीं बना सकते हैं, और तीसरा कि कोई स्मोकिंग वगैरह या जो भी यहाँ की वो है वो नहीं कर सकते, और स्पीड लिमिट हमारी 35 टू 40 किलोमीटर ही रहेगी बिकॉज ऑफ दैट कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है तो हम उसको फॉलो करेंगे। तो सॉरी, मैं आपको वीडियो बीच का ये 18 किलोमीटर का नहीं दिखा पाऊँगा, तो अगर परमिशन नहीं है तो नहीं कर सकते। दोस्तों, अभी ऊटी के रास्ते पे हम लोग आगे बढ़ रहे थे तो लंच टाइम हो गया, दो बज गए हैं। तो यहाँ पे आप सामने देखिए एक इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे चलना है, फिर लंच करेंगे, लंच करके फिर आपको ज्वाइन करते हैं। तो चलिए लंच करते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग रुके थे इंडियन रेस्टोरेंट पे लंच करने के लिए, बहुत ही बढ़िया लंच हुआ, मतलब इतना टेस्टी था, मुझे नहीं उम्मीद थी कि साउथ इंडिया में इतना टेस्ट मिल पाएगा खाने का, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्टी खाना था, पेट भर के खाया और फिर
आगे का सफर फिर शुरू। तो अब चलिए आपको ऊटी का रास्ता दिखाते रहते हैं, रास्ते का हाल बताते रहते हैं और ऊटी आपको पहुंचाते हैं। आप देखिए सामने पहाड़ है, क्या खूबसूरत वैली है। मौसम तो साउथ इंडिया में गजब का, ये खास करके जो वेस्टर्न घाट का एरिया है बहुत ही खूबसूरत है, हरियाली बहुत ज्यादा रहती है। एक चीज और देखा मैंने, साउथ इंडिया में लोग बहुत अच्छे हैं, अब उनको हिंदी आती हो या ना आती हो लेकिन वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी बात को समझें और आपको रिस्पॉन्ड करें। ठीक है टूटी फूटी ही आती है, जैसे भी होती है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, इग्नोर नहीं करते। सब बहुत बढ़िया हमको ये लगा कि वो लोग इग्नोर नहीं करते। चलिए चलते हैं। गुलमोहर के पौधे बहुत हैं दोनों तरफ, इतने खूबसूरत लगते हैं फूल कि क्या बताएं, पूरे रास्ते को सुहाना बना देते हैं। मौसम भी सुहाना है, रास्ता भी सुहाना है। यहाँ पर हमने एक चीज देखी, जो यहाँ पे बैल पाए जाते हैं उनकी सींगें नुकीली और काफी ऊंची होती है, लंबी और बहुत ही नुकीली, मतलब एक बार अगर दे देना समझो राम नाम सत्य है। मौसम तो है कहना ही नहीं है, एकदम ऑसम। सभ्यताओं पे हमले बहुत कम हुए और हमारे भारत में हर चीज़ तो देवी देवताओं से जुड़े थे, हम पेड़ को भी भगवान मानते थे, हवा को भी भगवान मानते थे, इसलिए सबकी सुरक्षा करना और सबको जीवित रखना हम लोग अपना कर्तव्य समझते थे। यही कारण है कि दक्षिण भारत इस मामले में आज भी बहुत धनी है। ये देखिए हमारे सामने आधी मारुति जा रही है, इनकी गाड़ी पर लिखा है आधी मारुति। दोस्तों अब हम लोग पहुंच गए हैं बंदीपुर नेशनल पार्क के गेट पे। ये रास्ता जंगल के बीच से होके जाता है। अब आपसे क्या बताएं, दोपहर के निकले हैं अभी तक ऊटी नहीं पहुंचे, कारण बताएंगे तो आप हंसोगे। इतना खूबसूरत रास्ता था कि हर 10 कदम पे तो रुकते थे, मतलब बस चलने का मन नहीं कर रहा था। ये हुआ कि जी लो जी भर के, ऐसा नज़ारा फिर कभी नहीं मिलेगा, इतना खूबसूरत नज़ारा था। मेरी आप लोगों से, अपने प्रदेश के भी लोगों से यही विनती है कि आप एक बार ज़रूर यहाँ विजिट करें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पहाड़ भी है, पौधे भी हैं, हवा भी है और खूबसूरती बहुत बढ़िया। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ के लोग, जितना खूबसूरत मौसम है ना उतने खूबसूरत लोग, कितना कोऑपरेट करते हैं क्या बताएं। और ताजुब की बात यह है कि उनको हिंदी नहीं आती अच्छी, फिर भी वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ हमको बहुत प्यारी लगी, उसको मैं बार बार अपने वीडियो में बता रहा हूँ कि साउथ इंडिया का ये प्यार हमें जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस ऊटी अब 50 किलोमीटर और रह गया है, पहुंच के ऊटी आपको ज्वाइन करते हैं। चांदनी रात होगी, तारों की बारात होगी, तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। तो दोस्तों अभी बंदीपुरा टाइगर रिजर्व का गेट पार कर गए, यहीं पे ही कर्नाटका का बॉर्डर खत्म। अब हम लोग तमिलनाडु स्टेट में इंटर कर गए हैं।
जैसा आप देख सकते हैं ये पुल है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का। अब यहाँ से तमिलनाडु शुरू होता है, ये तमिलनाडु का गेट है। अब यहाँ से हम लोग तमिलनाडु राज्य में पहुँच गए। तो चलिए तो दोस्तों, ये मुडुमलाई टाइगर रिजर्व का एरिया शुरू हो गया। जैसे हम लोग बंदीपुर पार किए, तमिलनाडु में इंटर किए, ये मुडुमलाई टाइगर रिजर्व का गेट था, फिर हम लोग टाइगर रिजर्व के अंदर से जा रहे हैं। तो एक पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि जाइए, यहाँ पे कोई रसीद वगैरह नहीं कटी। बाकी उधर फॉरेस्ट रिजर्व में बंदीपुर वाले में उन्होंने 20 रुपये की रिसिप्ट काटी। चलिए अब आगे देखते हैं और दिखाते भी हैं। तमिलनाडु में जब से इंटर किए हैं तब से मोबाइल में नेटवर्क नहीं, सबसे बड़ा इशू तो नेटवर्क का हो गया है। ना गूगल चल पा रहा है, ना कोई फ़ोन कॉल हो पा रही है। देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि नेटवर्क के बिना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। गूगल नहीं चलेगा तो कैसे पहुंचेंगे हम लोग अपने होटल। चलिए देखते हैं। रास्ता भी बहुत पतला है, मतलब बिना गाड़ी लेफ्ट नीचे उतारे पास नहीं ले मिलता। रास्ता बढ़िया तो है लेकिन पतला बहुत है। अब जाके दोस्तों नेटवर्क आया, हमारे होटल का लोकेशन मिल पाया। अभी कोई मार्केट पड़ी है, नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। यहाँ पे जीप बहुत दिख रही है, तमिलनाडु में आता जीप बहुत चलती है, लेकिन ब्रेकर बहुत है भाई। आप चाहे फॉरेस्ट के नाते हो या आप हिल ड्राइव पे आते हो, लेकिन हम तो उत्तराखंड बहुत पहाड़ घूमे, इतना ब्रेकर पहाड़ पे नहीं होता। या तो आई थिंक फॉरेस्ट के नाते होगा, ब्रेकर बहुत ज़्यादा है। अब जाके रोड कुछ ठीक बन गया। पूरी रोड एकदम जिग जैग, मैंने पूरा जलेबी बना दी है। रोड अच्छी है, यहाँ पे आपको 2 लेन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक के हिसाब से समझो ठीक ही है, क्योंकि ट्रैफिक इस टाइम तो भाई बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, लेकिन गजब की स्टीप चढ़ाई है। भाई पूरी पहाड़ी चढ़ाई करते बिल्कुल आइडिया नहीं था कितना टाइम लगेगा, वरना हम लोग थोड़ा और रास्ते में कम रुके होते जल्दी आते। हमने तो किलोमीटर देख के आइडिया लगाया, लेकिन भाई बहुत टाइम लग गया, क्योंकि पूरी पहाड़ी चढ़ाई थी, टाइम लग गया। कोई बात नहीं, लगभग हम पहुँच गए हैं। हमारा होटल 3.5 किलोमीटर और बचा है, जल्दी से जल्दी पहुँचते हैं होटल, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। दोस्तों फाइनली अब हम लोग ऊटी पहुँच गए, अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। तो आपको हम बता दें कि कुर्ग से हम लोग चले थे, कुर्ग से ऊटी की डिस्टेंस है 230 किलोमीटर्स। हम लोग जो रूट लिए थे बाया नागर होल लिए थे, टोटल वैली का रास्ता था, हिल्स थे वैली थी। बहुत खूबसूरत रास्ता था और काफ़ी घूमे हम लोग, खूब इन्जॉय किए। बंदीपुरा टाइगर रिजर्व के बाद पूरा रास्ता जंगलों के बीच से होके गुजरा है। इवन जब तमिलनाडु में हम लोग इंटर किए तो भी जंगल से ही होके गुजरे, और लास्ट में फिर ऊटी के करीब 25 से 30 किलोमीटर के आसपास हमारे ख्याल से हिल ड्राइव थी, बहुत स्टीप और बहुत ज़्यादा टर्निंग थी, उसमें काफ़ी टाइम लग गया। बहरहाल यात्रा बढ़िया रही, सुखद रही, और ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत बन रहा है। या इसमें आपको नेचर दिखेगा और पहाड़ दिखेंगे, वैली दिखेंगे, सारे कुछ दिखेंगे। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम अपना वीडियो यहीं पर क्लोज कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों।
इसको दबा के लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो ठीक है, जय हिंद जय भारत।